नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक कुशवाहा चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो है कि किस तरीके से हम अपने आधार कार्ड को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे दिखाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों, ये राइट हैंड में आपको या वीडियो से नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन लाल दिख रहा होगा, इसे दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों टॉपिक पर चलते हैं और आधार कार्ड को डाउनलोड करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है दोस्तों UIDAI, इसको लिख के सर्च मारना है गूगल पे। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर इसका URL भी आप याद कर लीजिए या फिर देख लीजिए, UIDAI.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा होगा डाउनलोड आधार, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ देखिए दोस्तों 2018 से ये न्यू अपडेट आ चुका है। तो अगर आप आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो आपको किस तरीके से उसको ओपन करना है, जो PDF फाइल डाउनलोड होगी और उसको ओपन करना है तो आपको क्या डालना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम सुरेश कुमार है, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 है। ठीक है, तो आपका जो PDF फाइल होगा, पहले क्या होता था कि पासवर्ड उसमें जो पिन कोड होता था, एरिया कोड पिन कोड, वो आपका पासवर्ड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसे सुरेश कुमार है और आपका डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो फिर यहाँ पे पासवर्ड आपका हो जाएगा सुरेश के, मतलब इसके शुरू के चार अक्षर, ठीक है, SURE सूर्य और 1990। ठीक है, मतलब किसी भी नाम का फर्स्ट के चार अंक और लास्ट का उनका डेट ऑफ बर्थ का ईयर, ठीक है, ये टाइप करना है। जैसे इनका नाम है P.Kumar, ये लिखा हुआ उनका, ठीक है, और 1990 है, तो यहाँ पे इनका हो जाएगा P.KU, चार वर्ड हो गए इतने, और फिर उसके बाद 1990 P.KU 1990। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के चार वर्ड नाम के और लास्ट के डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है। ठीक है, ये डाल के फिर आपको PDF फाइल ओपन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है, अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड कर लेंगे इजीली। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे इनरोलमेंट, फुल नेम, पिन कोड, फिर यहाँ पे ये कैप्चा डालेंगे और गेट वन टाइम पासवर्ड करेंगे, आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आधार डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, फुल नाम डालता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे पिन कोड डालना है, ये कैप्चा डालना है, योर वन टाइम पासवर्ड वुड बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डेट इज इतना, जिसके लास्ट में 3247 है। ठीक है, अब इसे कंफर्म कर देंगे। ठीक है, ये कह रहा कि वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर इतना। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड डालना है, इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, तो पासवर्ड देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये पासवर्ड आ चुका है, तो देख लेते हैं पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड क्या हुआ है। 14 30, यहाँ पे वैलिडेट डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से अब इतना करने के बाद दोस्तों, ऐसा होगा कि आपके पास PDF डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये PDF में आ गया, यहाँ पे ओके कर देना है, ये आपके पास डाउनलोड हो गया। देखिए ये दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो गया, इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया, इसे मैं कट करके डेस्कटॉप पे लेता हूँ, आप देख लीजिए, कॉपी या कट करता हूँ, इसे मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखता हूँ। देखिए अब इसे दोस्तों मैं ओपन करके दिखाता हूँ, इसे मैं ओपन करूँगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए दोस्तों, अब इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे जैसे कि नाम का फर्स्ट चार अक्षर और लास्ट के मतलब डेट ऑफ बर्थ का ईयर, तो हम यहाँ पे देखिए PDF ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और याद रहे दोस्तों, ये जो भी डालने हैं ये सारे नंबर्स वगैरह कैपिटल में होने चाहिए। ओके, देखिए कैपिटल में डाल के ओपन किया है। ठीक है, ये ओपन हो गया।
कैसा लगा वीडियो आपको। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको ये यहाँ पे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, इसे दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।